काम्यदान एवं मेरुदानों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं आपके सम्मुख काम्यदानों का वर्णन करता हूं, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रत्येक मास में प्रतिदिन पूजन करते हुए एक दिन विशेष रूप से पूजन किया जाता है, इसे काम्य पूजन कहते हैं। वर्ष के समाप्त होने पर गुरु पूजन एवं महापूजन के साथ व्रत का विसर्जन किया जाता है। जो मार्ग शीर्ष मास में शिव का पूजन करके पिष्ट आटा निर्मित अश्व एवं कमल का दान करता है, वो चिरकाल तक सूर्य लोक में निवास करता है। पौष मास में पिष्टमय हाथी का दान देकर मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। माघ में पिष्टमय अश्वयुक्त रथ का दान देने वाला नरक में नहीं जाता। फाल्गुन में पिष्ट निर्मित बैल का दान देकर मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है तथा दूसरे जन्म में राज्य प्राप्त करता है। चैत्र मास में दास दासियों से युक्त एवं एक गुड़ से भरा हुआ घर देकर मनुष्य चिरकाल तक स्वर्गलोक में निवास करता है और उसके बाद राजा होता है। वैशाख में सप्तधान्न का दान देकर मनुष्य शिव के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ तथा आषाढ़ में अन्न की बलि देने वाला शिव स्वरूप हो जाता है। श्रावण में पुष्परथ का दान देकर मनुष्य स्वर्ग के सुखों का भोगता होता है। दूसरे जन्म में राज्य लाभ करता है और 200 फलों का दान देने वाला अपने संपूर्ण कुल का उद्धार करके राजपद को प्राप्त होता है। भाद्रपद में धूप दान करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होकर दूसरे जन्म में राज्य का उपभोग करता है। आश्विन में दुग्ध और धृत से परिपूर्ण पात्र का दान स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। कार्तिक में गुड़ शक्कर और धृत का दान देकर मनुष्य स्वर्गलोक में निवास करता है और दूसरे जन्म में राजा होता है। अब मैं प्रत्येक 12 प्रकार के मेरुदानों के विषय में कहूंगा, जो भोग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को मेरु व्रत करके ब्राह्मण को रत्न मेरु का दान करना चाहिए। अब क्रमशः सब मेरुओं का प्रमाण सुनिए। हीरे, माणिक, नीलमणि, वैदूर्यमणि, स्फटिक मणि, पुखराज, मरकतमणि और मोती, इनका एक प्रस्थ का मेरु उत्तम माना गया है। इससे आधे परिमाण का मेरु मध्यम और मध्यम से आधा निकृष्ट होता है। रत्न मेरु का दान करने वाला धन की कंजूसी का परित्याग कर दे, द्वादश दल कमल का निर्माण करके उसकी कर्णिका पर मेरु की स्थापना करे। इसके ब्रह्मा, विष्णु और शिव देवता हैं। मेरु से पूर्व दिशा में 3 दल हैं, उनमें क्रमशः माल्यवान, भद्रवाक्ष तथा ऋक्ष पर्वतों का पूजन करें। मेरु से दक्षिण वाले दलों में निषद, हिमकुट और हिमवान की पूजा करें। मेरु से उत्तर वाले 3 दलों में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगी का पूजन करें तथा पश्चिम वाले दलों में गंधमादम, वैकंक एवं केतुमाल की पूजा करें। इस प्रकार 12 पर्वतों से युक्त मेरु पर्वत का पूजन करना चाहिए। उपवास पूर्वक रहकर स्नान के पश्चात भगवान विष्णु अथवा शिव का पूजन करें। भगवान के सम्मुख मेरु का पूजन करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उसका दान ब्राह्मणों को कर दें। दान का संकल्प करते समय देश काल के उच्चारण के पश्चात कहें, मैं इस द्रव्य निर्मित उत्तम मेरु पर्वत का, जिसके देवता भगवान विष्णु हैं, अमुक गोत्र वाले ब्राह्मण को दान करता हूं। इस दान से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए और मुझे उत्तम भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार दान करने वाला मनुष्य अपने समस्त कुल का उद्धार करके देवताओं द्वारा सम्मानित हो विमान पर बैठकर इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा श्री वैकुंठ धाम में क्रीड़ा करता है। संक्रांति आदि अन्य पुण्यकालों में मेरु का दान करना चाहिए। 1,000 पल सुवर्ण के द्वारा महामेरु का निर्माण करावे। वो 3 शिखरों से युक्त होना चाहिए और उन शिखरों पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की स्थापना करनी चाहिए। मेरु के साथ वाला प्रत्येक पर्वत 100-100 पल सुवर्ण का बनवावे। मेरु को लेकर उसके सहवर्ती पर्वत 13 माने गए हैं। उत्तरायण अथवा दक्षिणायन की संक्रांति में या सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में विष्णु की प्रतिमा के सम्मुख स्वर्ण मेरु की स्थापना करें। तदनंतर श्रीहरि और स्वर्ण मेरु की पूजा कर उसे ब्राह्मण को समर्पित करें। ऐसा करने से मनुष्य चिरकाल तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो 12 पर्वतों से युक्त रजत मेरु का संकल्प पूर्वक दान करता है, वो उतने वर्षों तक राज्य का उपभोग करता है जितने की इस पृथ्वी पर परमाणु हैं।
इसके सिवा वो पूर्वोक्त फल को भी प्राप्त कर लेता है। भूमि मेरु का दान विष्णु एवं ब्राह्मण की पूजा करके करना चाहिए। एक नगर, जनपद अथवा ग्राम के आठवें अंश से भूमि मेरु की कल्पना करके अवशिष्ट अंश से शेष 12 अंशों की कल्पना करनी चाहिए। भूमि मेरु के दान का भी फल पूर्ववत होता है। 12 पर्वतों से युक्त मेरु का हाथियों द्वारा निर्माण करके 3 पुरुषों सहित उस हस्ति मेरु का दान करें। वो दान देकर मनुष्य अक्षय फल का भागी होता है। 15 अश्वों का अश्वमेरु होता है। इसके साथ 12 पर्वतों के स्थान 12 घोड़े होने चाहिए। श्री विष्णु आदि देवताओं के पूजन पूर्वक अश्वमेरु का दान करने वाला इस जन्म में विविध भोगों का उपभोग करके दूसरे जन्म में राजा होता है। गोमेरु का भी अश्वमेरु की संख्या के परिमाण एवं विधि से दान करना चाहिए। 1 भार रेशमी वस्त्रों का वस्त्रमेरु होता है। उसे मध्य में रखकर अन्य 12 पर्वतों के स्थान पर 12 वस्त्र रखें। इसका दान करके मनुष्य अक्षय फल की प्राप्ति करता है। 5000 पल धृत का आज्य पर्वत माना गया है। इसका सहवर्ती प्रत्येक पर्वत 500 पल धृत का होना चाहिए। इस आज्य पर्वत पर श्री हरि का यजन करें, फिर श्री विष्णु के सम्मुख इसे ब्राह्मण को दान कर मनुष्य इस लोक में सर्वस्व पाकर श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होता है। उसी प्रकार खांड मेरु का निर्माण एवं दान करके मनुष्य पूर्वोक्त फल की प्राप्ति कर लेता है। 5 खारी धान्य का धान्य मेरु होता है। इसके साथ अन्य 12 पर्वत 1-1 खारी धान्य के बनाने चाहिए। उन सब के 3-3 स्वर्णमय शिखर होने चाहिए। सब पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का पूजन करना चाहिए। श्री विष्णु का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रमाण के अनुसार तिलमेरु का निर्माण करके दशांश के प्रमाण से अन्य पर्वतों का निर्माण करें। उसके एवं अन्य पर्वतों के भी पूर्वोक्त प्रकार से शिखर बनाने चाहिए। इस तिल मेरु का दान करके मनुष्य बंधु बांधवों के साथ विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तिल मेरु का दान करते समय निम्नलिखित मंत्र को पढ़ें। विष्णु स्वरूप तिल मेरु को नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु और महेश जिसके शिखर हैं, जो पृथ्वी की नाभि पर स्थित है, जो सहवर्ती 12 पर्वतों का प्रभु, समस्त पापों का अपहरण करने वाला शांतिमय विष्णु भक्त है, उस तिलमेरु को नमस्कार है। वो मेरी सर्वथा रक्षा करे। मैं निष्पाप होकर पितरों के साथ श्री विष्णु को प्राप्त होता हूँ। ओम नमः। तुम विष्णु स्वरूप हो। विष्णु के सम्मुख मैं विष्णु स्वरूप दाता, विष्णु स्वरूप ब्राह्मण का भक्ति पूर्वक भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति हेतु तुम्हारा दान करता हूँ। पृथ्वीदान तथा गोदान की महिमा। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं पृथ्वीदान के विषय में कहता हूं। पृथ्वी 3 प्रकार की मानी गई है। 100 करोड़ योजन विस्तार वाली स्वप्त द्वीपवती समुद्रों सहित जम्बूद्वीप पर्यंत पृथ्वी उत्तम मानी गई है। उत्तम पृथ्वी की 5 भार सुवर्ण से रचना करें, उसके आधे में कूर्म एवं कमल बनावे, ये उत्तम पृथ्वी बतलाई गई है। इसके आधे में मध्यम पृथ्वी मानी जाती है। इसके 3 भाग में निर्मित पृथ्वी कनिष्ठ मानी गई है। इसके साथ पृथ्वी के 3 भाग में कूर्म और कमल का निर्माण करना चाहिए। 1000 पल सुवर्ण से मूल, दंड, पत्ते, फल, पुष्प और 5 स्कंधों से युक्त कल्प वृक्ष की कल्पना करें। विद्वान ब्राह्मण यजमान के द्वारा संकल्प करा के 5 ब्राह्मणों को इसका दान करावे। इसका दान करने वाला ब्रह्मलोक में पितृगणों के साथ चिरकाल तक आनंद का उपभोग करता है। 500 पल सुवर्ण से कामधेनु का निर्माण करा के विष्णु के सम्मुख दान करें। ब्रह्मा विष्णु एवं शिव आदि समस्त देवता गौ में प्रतिष्ठित हैं। धेनु दान करने से अपने आप समस्त दान हो जाते हैं। ये संपूर्ण अभिष्ट कामनाओं को सिद्ध करने वाला एवं ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला है। श्री विष्णु के सम्मुख कपिला गौ का दान करने वाला अपने संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है। कन्या को अलंकृत करके दान करने से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, जिसमें सभी प्रकार के सस्य अनाजों के पौधे उपज सके। ऐसी भूमि का दान देकर मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ग्राम, नगर अथवा खेत, छोटे गांव का दान देने वाला सुखी होता है। कार्तिक की पूर्णिमा आदि में वृक्षोत्सर्ग करने वाला अपने कुल का उद्धार कर देता है। नाड़ी चक्र का वर्णन।